हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। तो तुम्हें मैंने जानती कि काली 3 तारीख थी आम काली ही तुम्हारा जो मैंने ऑफलाइन एग्जाम देवाई थे स्पेशल एग्जाम से मानक रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता तापाई का ये न्यूज़टे अच्छी देख ये आमर 3 तारीख जो स्टार्ट होती 3/9/2021 2टू कंटिन्यू रहा 9/9/2021 पर्यटन एंड द नेसेसरी स्टेक्स मे बी प्लीज टेकन फॉर वाइड सर्कुलेशन ऑफ द नोटिफिकेशन। से छाड़ तो से कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पड़ो तुमको तुम कॉलेज जोटा अच्छे कॉलेज को जाकि पड़ो एंड बिफोर दैट से जो तुम्हें आप्लिकेसन दब तुम्हें गोटे आप्लिकेसन भी देवा पड़ो एंड तुम्हें जो फर्म टी फिलअप कर सपोज देख फर्मटा फिलअप कला टाइप रो कर प्रिंट आउट काढ़ फर्म फिलअप कर सारापर एंड ये कॉलेज रू ही तुमको मिल ये देख सिग्नेचर ऑफ द एप्लिकेंट लिखाई एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल मैंने ये लिखाई कि तुम्हें स्पेशल एग्जाम देवाई मैंने इंटरेस्टेड अच एंड तुम्हें जो रिजल्टा जहाँ भी बाहर से रिजल्ट ही तुम फाइनाल हम सहीटा ये सेकेंड पॉइंट लिखाई एंड से कि तुम सिग्नेचर एंड प्रिंसिपल सिग्नेचर बहुत रिक्वायरमेंट रही गोटे पिला चाहे कि नाई मु एग्जाम तो सी रजिस्टर करदे कलापर तार जब किसी लगे कि ना ना मुझे एग्जाम देवी ना तो सी विड्रॉ भी कर बट ताकि गोटे आप्लिकेसन लिखा पड़ो लिखाई टेक् द प्रिंट आउट ऑफ द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आस्क स्टूडेंट टू वेरीफाई साइन और सबमिट द फॉर्म विद द ऑफिशियल इनचार्ज ऑफ द रजिस्ट्रेशन द फॉर्म नीड टू बी काउंटर साइन बाय द प्रिंसिपल एंड प्रिजर्व फॉर रेफरेंशियल ऑफिशियल अथॉरिटीज फॉर द ऑथराइज फॉर द पर्पज इफ द स्टूडेंट रिफ्यूज टू साइन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इमिडिएटली द सेम इज टू बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम से कहे तुम्हें फॉर्म फिलअप कल कि फॉर्म में जो साइन करवाक चाहून मानते तुम लिटरली एग्जाम देवा चाहून तेल तुम नाटा सांगे सांग से सिस्टम को पढ़ाई एंड तुम्हें आउ एग्जाम देवाई एलिजिबल हम ना है तो ये रही तुम गोटे इनफर्मेशन एंड जेहेतु ये कॉलेज फिलअप कर तो तुमर किसी सेमती रिक्वायरमेंट ना तुम डायरेक्ट कॉलेज को जीव कॉलेज को जाकि तुम्हें अप्लाई करपर ऑफलाइन एग्जाम का एंड सब बड़ प्रॉब्लम होता कौन जेहेतु पाने गवर्नमेंट कहीदेला कि तुम्हें मैंने अप्लाई कर दैट टू 9 तारीख पर्यंत दे टाइम अप्लाय करने का कितु एग्जाम डेट डिक्लेयर करनी से कही कौन के पा अप्लाय कर से हिसाब से डिसाइड करेंगे कौ कौ विषय एग्जाम हम एंड कौ कौ माने डेट रे एग्जाम हम से सब किसी भी डिक्लेयर है पाने अप्लाय कर सारापर आवेदन संख्या को देखिकी से माने डिसाइड करेंगे यहाँ गोटे बैड डिसीजन कारण 10th टाइम तो ये टाइप रही हो नाला ना तो देखी चाहिए तुम मैंने अप्लाय कर कारण एदी मार्क तुम कम ताकि तुम्हें ही रेस्पोन्सिबल रही सपोज गोटे पिला फर्म अप्लाय कर सब कर एग्जाम देवा गलानी तो ता मार्क भी से माने हुए तो विथल कर पारंती मानते जीरो भी कर दे पारंती से भावि चिंता कि तुम्हें मैंने अप्लाई कर सहित का आहरी गोटे ही जिनस आसी जाइए जोटा कि गोटे सकिंग न्यूज रही जो पिला माने कर एक्स रेगुलर थिला से माने सिंगल सब्जेक्ट रे पास करते मैं इंग्लीश ओडिया को छाड़ी मैक्सिमम पिला इंग्लीश ओडिया तो पास करते जो 4th इलेक्टिव थिला बायोलॉजी थिला से माने पास करते जो कोनो से गोटे सिंगल सब्जेक्ट रे पास करते से पाकर गोटे सब्जेक्ट नहीं कि जहाँ मार्किंग होता से मार्क गुड़ाक पीसीएम प्रोभाइड कराइला है कि आउ थे से मानकर गोटे रिजल्ट बाहरी जो रिजल्ट कि जो रही बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फेल होते बायोलॉजी पास होते तो ये सब्जेक्ट तीन टा भितर जोटा भी हाएस्ट मार्क रही से हाएस्ट मार्क एनी वन एंड ए मार्क ये दुटा जाक आवरेज मार्क नहीं पुणी से माने आउ थे मार्किंग करके पठाई जहाँफल कि जो पिला माने पास करते भितर भी कत जन फेल हो जाती आउ जो पिला माने मार्क रखी थे किए फर्स्ट डिविजन पाई तार ए सेकेंड डिविजन खसी आसी किए सेकेंड डिविजन पाई तार मार्क ये कमी जाइए प्राय 30-40 मार्क पिला कमी जाइए तो तुम्हें मैंने जो मैंने भी एक्स रेगुलर अच एंड आगुरी इंग्लीश ओडिया को छाड़देले आ गोटे सब्जेक्ट पास करते निज निजर मार्कसीट जाकि चेक करनी एंड तार लिंक ऑलरेडी जो ओडिशा रिजल्ट .in तुम जो NIC .in तुम जमी आगुरी चेक कर चेक करनी एंड यहाँ कहीं कहीं मार्कटा रिड्यूस है प्रॉपर
रीजन जना पड़नी, किंतु जहाँ भी मार्क आसी से ये दुईटार जो आवरेज दुईटार आवरेज नहीं कि कर हिसाब से आसी। कंपार्टमेंट पिलांकर किसी खराब है ना, कारण तांकर तो ऑलरेडी गोटे किंवा जोड़े सब्जेक्ट से माने फेल होते, ता माने से ऑलरेडी जोड़े सब्जेक्ट पास करते तो तांकर मार्किंग टा किसी भी चेंज है, जेहतु ऑलरेडी जोड़े मार्क नहीं आवरेज कराई तांकर किसी चेंज है। बट जो मानकर केवल बायोलॉजी देखिकी तार बाकी तीन टाइम मार्क दि जाइए तांकर ही चेंज होती। सिमिलरली आर्ट्स भी कौन हो जो मैंने गोटे मैंने इंग्लीश गुडा छाड़िकी जेको गोटे सब्जेक्ट रे पास करते से सब्जेक्ट नहीं कि मार्क दिया, तो सेटा भी तुम्हें मैंने भी चेक कर सब स्ट्रीम पिला मैंने सेटा चेक कर देखा या को नहीं कि आ कौन रही है पिला मैंने तार भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही सेटा भी तुम मानक मुझे शो करदे। देखो यहाँ है सेकेंड सेप्टेम्बर आसी जाए ये भी देख लिखाई कि इट इज नोटिफाइड टू इनफॉर्म ऑल द कंसर्न टू दैट द रिजल्ट ऑफ सम स्टूडेंट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम तमाने आर्ट्स इन साइंस एंड कॉमर्स लिखी ऑफ एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 हैव बीन रिवाइज्ड एंड अपडेटेड ऑन द वेबसाइट एयर स्टूडेंट कैन नाउ बी एंड डाउनलोड देयर रिजल्ट फ्रॉम द वेबसाइट। तो ये से पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जेहेतु देदेगी तो मैंने आम से जानवा कि जहाँ भी रिवाइज होती एंड अपडेट हो सेटा ही आमर मार्क। मु तो भावुँ आप बोधे गोटे रिजन रही कि पब्लिकली तो सेटा अनाउंस करहब ना, से जहाँ भी हो निजे निजर रिजल्ट देख एंड मत कह कि एमती पिला थिलो कि जो मैंने पास करते आगुरी बट एबे देखला को से माने फेल हो जाइंट। सो ये रही था आज का इनफर्मेसन पिला से कल आसाला ये मुझे ये पूरा स्ट्रिक्टली लिखाही कि हुआज इयरलियर इश्यूड एडमिट कार्ड फॉर एनुअल एग्जाम हुज रिजल्ट हाव बीन डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया एंड डिससैटिस्फाइड विद द डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑल द एक्सरेगुलर स्टूडेंट हु आर नेवर अपीयर्ड इन एनी एचएस एग्जाम कंडक्टेड बाय सीएचएसई प्रायर टू 2021 बट एडमिट कार्ड वॉज इश्यू टू देम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन कैन नाउ रजिस्टर देमसेल्फ फॉर अपीयरिंग द एनुअल एचएस एग्जामिनेशन। तमाने इटी से कौच पूरा डिक्लेयर करदेला कि किए किए ये एग्जाम दे पार जो ऑफलाइन एग्जाम रही किए किए दे पार। प्रथम कंडीशन कहला कि जो मैंने डिससाटिस्फाइड अच्छा है चाहे सी रेगुलर हो कि रेगुलर होता जी भी डिससाटिस्फाइड अच्छा जो मैंने बिल्कुल भी केवे कौन सी सीएचएसई एग्जाम देना 2021 पूर्व तमाम ड्रप आउट स्टूडेंट से समस्ते एग्जाम एलिजिबल रही एंड एग्जाम तो तुमको कही केतेबले अप्लाय कौन कौन ना। तो ये सब रही पूरा डिटेल्स तरह रही एंड ये सी कौन लिखला देख द रिजल्ट ऑफ द एनुअल एचएस 2021 स्पेशल एग्जाम विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग द स्टूडेंट्स हु आफ्टर सच एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ओनली ऑन मेजर पेपर टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्पज केते पिला अप्लाई कर से मानकर मेजर पेपर रे से माने परीक्षा करेंगे मेजर पेपर कौन हम कौन ना से सब पर डिक्लेयर कर मार्क्स इन ऑल द पेपर विल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इक्वल इन द मेजर पेपर डिसाइडेड बाय द काउंसिल। काउंसिल डिसाइड कर कौटा मेजर पेपर जमती कि मुझे कहती सपोज आम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और आई टी मैंने फोर्थ ऑप्शनल को नौ एंड इंग्लीश ओडिया आम मेजर यही चार्टा कहींपर माइनर इंग्लिश ओडिया हूँ तो ये चैप्टर एग्जाम होगी ये चैप्टर न हो पाए एंड से कत डिसाइड कराब पे फर्म पक सर से गवर्नमेंट डिसाइड कर मेजर पेपर कौन कौन एंड मार्कटा केमती आवार्ड कर। क्वेश्चन पैटर्न कौन रोश्चिन पैटर्न फॉर द एचएस एग्जामिनेशन 2021 विल बी द सेम एज नोटिफाइड ऑन द 2021 ईयर तमाने आगुरी जहाँ पैटर्न थिला सही पैटर्न में ही एग्जाम हम जोटा कि तुमको आम कहूलु कि तुम जो 50-50% थिला से हिसाब से ही हम सपोज मुझे फिजिक्स कथा कहीदे फिजिक्स टोटाल रोला आम के 35टा जो सर्ट क्वेश्चन रोला तार सेक्शन रही है गोटे 1:20 रोटे 1:15 एमती टोटाल 35टा बट सबूतक एमसीक्यू रुई मार्किया तुमको 10टा कर रोटा कि 20 मार्क क्वेश्चन केतटा पड़ो ना आउट ऑफ 16 16टू तुम 10टा कर आउ गोटे रहा 5 मार्किया 3टा कर 5 3 15 एंड यहाँ रउट अफ आमर 6 रो ये रही है तुम फिजिक्स पैटर्न से टाइप मैथ्र भी रही तो जहाँ भी ओल्ड पैटर्न थी से रोज अफकोर्स यहाँ भी मन रखी था जहाँ ओल्ड क्वेश्चन थी
ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ। ବଟ୍ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଡିସାଇଡେଡ୍ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ହୋପ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏଇଭଳିଆ ଝଟକା ଉପରେ ଝଟକା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ର ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏନେଇକି ଲାଇଭ୍ ଚାହୁଁଛ, ତ ଆମେ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଲାଇଭ୍ କରିବା। ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଚାହିଁଲେ କି ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ସେମାନେ ମୁଁଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭୋଟିଂ କରିଦେବି। ତୁମେ ସେଥିରେ ଯେତେ ଭୋଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି। ଏଇ ଯାହା ବି ତୁମ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଦେଖିବା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ଆଉ ତ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।